हाय गाइस, होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज उदय कुमार। दोस्तों, नीट में आपको पता है एक एलिगेशन लगाया गया था एनटीए के ऊपर कि पेपर में कोई छेड़छाड़ हुई है। सॉरी, जो ओएमआर सीट है उसमें छेड़छाड़ हुई है। नीट की जो रिजल्ट है, कुछ बच्चों का जो एक्सपेक्टेशन था उसके हिसाब से नहीं आया था, जो ओएमआर सीट के हिसाब से और आंसर की के हिसाब से आ रहा था, जो उसके हिसाब से नहीं आया था, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। ठीक है ना? और ये जो आरोप लगाया था कि इसमें बहुत बड़ी कोई गड़बड़ी हुई है, ओएमआर सीट में कोई चेंज कर दिया गया, ओएमएसआर सीट। ठीक है दोस्तों, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, इस याचिका को। ठीक है, क्या हुआ है इसमें अपडेट मैं आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार की बात है, सोमवार को 6 छात्रों के एक नीट याचिका को खारिज कर दिया। याचिका उन्होंने नेशनल टेस्ट एजेंसी द्वारा अपने नीट यूजी ओएमआर स्कोर कार्ड में छेड़छाड़ के आरोप में लगाया था। ठीक है ना? उसमें भारी अंतर मिला था, उसको जो आंसर शीट था और उसमें और जो परिणाम आया उसमें अंतर, काफी अंतर था। जस्टिस डीवाईडी चंद्रचूड़ और जस्टिस एस बोपाना ने की पीठ ने नीट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि एनटीए ने क्यों द्वारा ओएमआर सीट दिखाई थी। एनटीए के वकील रुपेश कुमार ने पीठ को बताया कि उम्मीदवार को एनटीए कार्यालय में आमंत्रित किया गया था और उन्हें ओएमआर सीट का निरीक्षण करने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, ये एनटीए के वकील जो थे रुपेश कुमार, ये बताया कि जो इन लोग को आमंत्रित किया गया था और इनको ओएमआर सीट निरीक्षण करने की अनुमति दी गई थी। ओएमआर को स्कैन की गई प्रतियां उम्मीदवारों के ईमेल आईडी पर भी भेजी गई थी। कोर्ट ने कहा, याचिकाओं की बताया गया था कि ओएमआर आंसर शीट उनके मूल लेखन के साथ उनके पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर मौजूद है। ठीक है, पीठ ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि प्रथम दृष्टि में यह सुझाव नहीं दिया जा सकता कि एनटीए की बैक ऑफिस में छेड़छाड़ या हेर फेर का कोई कार्य था। ठीक है ना? कोर्ट ने यह बोल दिया साफ साफ कि कोई हेर फेर नहीं हुई है। ठीक है, पीठ ने यह भी कहा कि नीट यूजी परीक्षा में बैठने वाले 15.44 लाख उम्मीदवारों में से केवल 6 ने ही ये शिकायत दर्ज की है। मतलब अगर 15-16 लाख बच्चे में से सिर्फ 6 बंदे को ही ये प्रॉब्लम आई। ठीक है, याचिकाता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज स्वरूप ने प्रस्तुत किया था, उन्हें ओएमआर सीट को शारीरिक रूप से छूने की अनुमति नहीं थी क्योंकि बीच में एक कांच दीवार थी। उन जो वकील थे अपोजिशन के, उन्होंने बताया कि बीच में कांच की दीवार थी, जब उनको भेजा गया कि दिखाया गया तो उधर से दिखाया गया। ठीक है ना? उसको शारीरिक छूने की अनुमति नहीं थी, उन्हें टच करने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, उन्होंने कहा ओएमआर सीट में केवल छू कर ही सत्यापित किया जा सकता है, जिस पर जस्टिस चंचूर ने टिप्पणी की, यह काफी दूर की गौड़ी है। नहीं श्री स्वरूप, उन्होंने आपको मूल प्रति दिखाई थी, उन्होंने शीशा के पीछे से बता दिया था एक तरह से कि ये है, और सामने वाला जो वकील है और स्टूडेंट है उन्होंने देख लिया। इनका ये कहना था आप टच करके दिखाइए तब ये सत्यापित करेंगे। ठीक है, याचिकाकर्ताओं के वकील का तर्क था कि परीक्षा से संबंधित पूरे डाटाबेस को एक बाहरी एजेंसी को स्थानांतरित कर दिया गया था और इसमें छेड़छाड़ की संभावना थी। हालांकि एनटीए ने कहा डेटा एनआई के सर्वर में होस्ट किया गया था। याचिका का विवरण यह तर्क करके दिया गया था कि एनटीए द्वारा प्रकाशित उत्तर कुंजी 1 नवंबर जो घोषित हुआ था, ठीक है, उसमें कुछ स्टूडेंट थे उसके 584 नंबर थे लेकिन परिणाम आया तो 164 दिखा था। ठीक है, एक बच्चे का 675 था और परिणाम आया तो 72 दिखा था। ठीक है, एक और याचिकाकर्ता में उसका अंक 0 था, हालांकि उत्तर कुंजी के अनुसार उसका 545 अंक बन रहा था। ठीक है ना? तो ये चीजें था, और अंकों की तुलनात्मक सरलीकरण का हवाला देते हुए याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था, यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा प्राप्त अंकों में भारी अंतर रहा है। यही कहा गया था कि एनटीए की ओर से कुछ पूरी तरह से गलत है, जिसे प्राधिकरण के खिलाफ जांच शुरू करके संबोधित करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब ये देखिए, याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में प्रश्न में लीक होने की परीक्षा की निष्पक्ष प्रक्रिया को बाधित करने की आपराधिक साजिश रचने की खबरों का हवाला दिया है, जिससे संबंध भारत के विभिन्न स्थानों पर कई FIR दर्ज की थी। आपको पता है सीकर केस और उत्तर प्रदेश में जो केस हुई थी, बहुत सारे बच्चे पकड़े गए थे। आपको क्या लगता है, क्या नीट में ओएमआर सीट में गड़बड़ी हुई? आप कमेंट करके बताइए। और देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, ये भी था कि भ्रष्ट प्रथाएं हैं जो उनको स्तरों पर चले, जिनकी निर्दोष योग्य और मेधावी छात्र जो जो स्टूडेंट जो कैपेबल है उनको सीटें नहीं मिल पा रही है, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। कहीं ना कहीं जो पकड़े जाते हैं डुप्लीकेट बंदे बैठ जाते हैं, और आपको पता है प्रॉक्सी। तो ये है जो डिटेल है,
कोई भी अपडेट आता है तो मैं बताऊंगा, तब तक आप बने रहिए। थैंक यू, और फ्री हेल्प के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स, बाय, प्लीज सब्सक्राइब।